दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक शेयर्स के बारे में जिसका नाम है इंफोसिस लिमिटेड। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जून का मंथ यहां पर एंड हो गया है और अब हमें आईटी सेक्टर के क्वार्टर वन के रिजल्ट सबसे पहले आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें अगर बात करें TCS की तो TCS कल अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स यहां पर आउट करने वाले हैं। तो जैसे ही TCS के नंबर्स यहां पर आउट होंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफोसिस लिमिटेड के बारे में। इंफोसिस लिमिटेड के भी क्वार्टर वन के रिजल्ट 14 जुलाई 2021 को यहां पर कंपनी रिलीज करने वाली है, जिसमें नंबर्स काफी शानदार आने की उम्मीदें यहां पर लगाई जा रही है, जिसको देखते हुए इंफोसिस के जो टारगेट लेवल्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। आज की अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो इंफोसिस के अंदर हमें यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है, यानी कि 1562.50 रुपये पर शेयर्स अभी ट्रेड कर रहा है। और यहां पर इस लेवल पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो एक सही समय पर आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। विप्रो लिमिटेड की तरफ से आज ही के दिन हमें, यानी कि आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2021, आज ही के दिन एक बड़ी खबर आते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें TCS, इंफोसिस एंड HCL टेक विल शो अ गुड क्वार्टर बट विप्रो अर्निंग्स विल्स आउटशाइन देम ऑल। तो यहां पर TCS, इंफोसिस और HCL के तो रिजल्ट आपको अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ विप्रो के जो नंबर से, विप्रो के जो अर्निंग से, वो बहुत शानदार आपको आते हुए देखने को मिलेगी। उसके पीछे एक मेन रीजन है, उसे भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि अगर आपने विप्रो के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो आपको कोई सेपरेट वीडियो नहीं देखना पड़े। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर इंफोसिस, TCS एंड टेक महिंद्रा एंड HCL टेक आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ रेवेन्यू ग्रोथ एनीवेयर बिटवीन 3.5% टू 5.5% फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून 2021। यानी कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी जाए तो क्वार्टर वन के रेवेन्यू ग्रोथ में आपको लगभग 3.5% से लेकर 5.5% तक की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में एनालिस्ट एक्सपेक्ट द ग्रोथ मोमेंटम इन द IT सर्विसेज सेक्टर टू कंटिन्यू ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज डील विंस एंड डिमांड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आपको पता है कि आईटी सेक्टर के सभी शेयरों के अंदर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और इस पेंडेमिक के अंदर तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आईटी सेक्टर के शेयरों में ही देखने को मिला है, जिसमें विप्रो लिमिटेड और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंफोसिस ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिए हैं। इसी बीच अगर हम एक और शेयर्स की बात करें जिसका रिसेंटली IPO आते हुए हमें देखने को मिला था, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, तो उसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर जितने भी ब्रोकरेजेस फर्में हैं वो विप्रो के रिजल्ट के लिए इतनी बुलिश क्यों दिख रही है। तो यहां पर विप्रो लिमिटेड की जो केपको एक्विजिशन कि जो यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई थी, जिसके कारण यहाँ पर विप्रो के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी शानदार आने की उम्मीदें लगाई जा रही है। इंडिया टॉप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स लाइक TCS, इंफोसिस एंड HCL टेक्नोलॉजीज आर लाइकली टू सी देयर ड्रीम रन कंटिन्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022। विप्रो वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स इन द सेक्टर में हैव हैड इट बेटर देन द रेस्ट। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार रिटर्न्स मिलने की उम्मीदें है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स की ग्रोथ की भी यहाँ पर एस्टिमेशन अगर बताएं जो यहाँ पर एनालिस्ट की तरफ से निकल कर आ रही है, तो सबसे पहले अगर इंफोसिस की बात करें तो इंफोसिस के अंदर आपको लगभग 5.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। TCS के अंदर 4% की, कल ही पता पड़ जाएगा TCS का तो हमें रिजल्ट कैसा रहता है। विप्रो के अंदर 9.5% की ग्रोथ, यानी कि IT सेक्टर के सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें विप्रो के अंदर देखने की उम्मीदें है। HCL टेक के अंदर 3.60% की ग्रोथ और टेक महिंद्रा के अंदर 3.50% की ग्रोथ, यानी कि सभी IT कंपनी के अंदर शानदार रिजल्ट आने की उम्मीदें है। साथ ही साथ अगर शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस के अंदर अगर चेंजेस की बात करें तो फरवरी एंड से लेकर जून 2021 तक इंफोसिस
के अंदर 26% का चेंज आपको देखने को मिल सकता है, TCS के अंदर 16% का, और सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको विप्रो के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप विप्रो को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो विप्रो के टारगेट हैं वो 1000 रुपीज़ तक के अप्रोक्सीमेटली आपको विद इन अ वन ईयर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ HCL टेक के शेयर्स के अंदर भी शेयर प्राइस के अंदर 8% के चेंजेस और टेक महिंद्रा में 19% के चेंजेस आपको अभी तक देखने को मिल चुके हैं। इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस टू रिलीज क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2022 रिजल्ट ऑन 14 जुलाई, रिवीजन इन फाइनेंशियल ईयर 2022 रेवेन्यू गाइडेंस एक्सपेक्टेड। तो यहां पर देख सकते हैं आप आज ही यानी कि 7 जुलाई 2021 की ये न्यूज़ है, जिसमें इन्फोसिस के रिजल्ट के आने की यहाँ पर बात करी गई है, और यहाँ पर जो सबसे मेन बात करी गई है स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ की बात करी गई है, यानी कि इन्फोसिस के जो अर्निंग ग्रोथ है वो यहाँ पर काफ़ी तेजी से हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अगर टाइम की बात करें तो 14th of July 2021 को आपको इन्फोसिस के रिजल्ट अराउंड 3:45 PM पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 4:15 के करीबन आपको देखने आते हुए मिल सकते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम यहां पर 4:30 के करीबन का निकल कर आ रहा है। हालांकि इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, हैप्पीएस्ट माइंड, इन सभी के रिजल्ट आपको हमारे इस चैनल से अपडेटेड किए जाएंगे। साथ ही साथ कंप्लीट एनालिसिस भी किया जाएगा कि रिजल्ट में क्या आपको किन चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए और क्या चीज़ें कंपनी की तरफ से सही नहीं निकल कर आई है, सारी चीज़ों को डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट है जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आपको रिजल्ट की ओरिजिनल कॉपी भी कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जाती है, तो आप वहां से रिजल्ट की कॉपी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वी फोरकास्ट सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ रेट ऑफ 4.5% इन कॉन्स्टेंट करेंसी ड्राइवन बाय हायर बिलिंग डेज एंड सीजनल स्ट्रेंथ, द रैंप अप ऑफ लार्ज डील्स एंड हायर स्पेंडिंग अक्रॉस ऑल मेजर वर्टिकल्स। तो यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से भी इन्फोसिस के रिजल्ट को लेकर जो अपडेटेड यहाँ पर निकल कर आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर 4.5% तक की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। साथ ही साथ में कंपनी को जो यहाँ पर लार्ज डील्स मिली है, जिसके बाद इन्फोसिस के जो टारगेट हैं वो 1750 रुपीज़ यानी कि 1750 रुपये के यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। साथ ही साथ इन्फोसिस का आपको बायबैक भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके अंदर भी दिसंबर तक कंपनी की तरफ से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस बनने की उम्मीदें हैं। तो डेफिनेटली इन्फोसिस, विप्रो और साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड कर रखा है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हुए आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, और हाँ, किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि हमने ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।